तो आज की क्लास आप लोगों के किस बेस पे रहेगी, तो ध्यान देना बच्चा आप लोगों की, यानी कि इंजीनियर एकेडमी देहरादून ऑनलाइन क्लासेस में आज की जो क्लास है बच्चा आप लोगों की, वो डेमो क्लासेस पे रहेगी। ठीक है, यूट्यूब के अंदर लगभग जो भी क्लास आप लोगों को मिलेगी बच्चा आज लाइव क्लास, वो SSC JEE या अदर जो कोर्सेज बच्चा अभी अकेडमी के द्वारा जो अभी लॉन्च किए गए उससे रिलेटेड रहेगी आप लोगों के। ठीक है, तो हम लोग आज बच्चे इसे डेमो के तौर पर देखिए कि हम लोग वहां पर कितना समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो याद रखना बच्चा आपका डेमो क्लास फॉर SSC JEE 2019-20 के लिए। सबसे पहले तो याद रखें आप लोग, यहां पे एक सेशन के तौर पर रखा मैंने यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिक्स, समझ रहे हो। अब ब्रिक्स का नाम सुनते ही आप लोगों को याद होगा कि ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म होती है जैसे कि आपका ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स क्या है बच्चा आपका, इन 5 देशों का एक संगठन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें और क्या चीज पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो ब्रिक्स था बच्चा आपका, ये बनता कब है, ब्रिक्स की स्थापना कब होती है, तो याद रखें सबसे पहले तो बच्चे यहां पे ब्रिक्स के कितने सदस्य हैं आपके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2006 में जब इसकी स्थापना होती है, समझ रहे, 2006 में जब ब्रिक्स बनता है, ठीक है ना, तो ब्रिक्स का नाम क्या था बच्चा आपका, तब ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था आपका, समझ रहे हो, तब क्या था बच्चा ये आपका ब्रिक था, यानी कि 4 देशों का एक संगठन था, 4 देशों। ठीक है ना, तब 4 देशों का क्या होता बच्चा आपका, एक संगठन हुआ करता था। लेकिन 2000 यहां पे देखिए, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था, ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग के लिए तैयार किया गया। ठीक है, मूल रूप से इसका पहले चरण में इसका नाम क्या था, ऑरिजिनली इज द फर्स्ट फोर वेयर इज द ग्रुप ब्रिक। ठीक है, लेकिन 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका मिल जाता है, उसके बाद बच्चा ये 2010 तक क्या बन जाता है आपका, ब्रिक्स बन जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2019 में ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपका 2019 में कहां पे हुआ बच्चा आपका, तो 2019 में ब्राजील में हुआ। और आपका 20 में कहां पे होने वाला है, तो ब्राजील के जस्ट बाद। आप लोगों को जैसे नाम के मैंने आपको बताया ना कि यहां पे क्या चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रिक्स के नाम से अगर आपको एक भी डेट याद होती है तो आप लोग जान सकते हो, जैसे कि ब्रिक्स। ठीक है, अब याद रखना 19 का अगर ब्राजील में हुआ है तो 20 का रशिया में होगा, 21 का फिर इंडिया में, इसी सीक्वेंस में ब्रिक्स आपका चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ब्रिक्स के समिटों की बात करी मैंने कि ये सम्मेलन आपके कहां कहां पे होंगे और कौन सा सम्मेलन कहां पे होने वाला आपका। ठीक है, तो याद रखे बच्चा आपका ब्रिक्स सम्मेलन जैसे कि 2019 में देख लीजिए बच्चा आपका, 17 में कहां पे हुआ, चाइना के अंदर हुआ, 18 में आपका साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक है, और उसके बाद 11th कभी कभार क्या पूछ लेता बच्चा आपका, ठीक है ना, कभी कभार आपका डेट भी पूछ लेता, यानी कि आपका समझ रहो, सॉरी सीक्वेंस पूछ लेगा आपका कि कौन से नंबर का हुआ, तो नंबर आपका 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि आपका ब्राजील के अंदर 2019 में हुआ। ठीक है, तो यह ध्यान दे आप लोग। उसके बाद बच्चा आपका 12वां कहां पर होगा, तो जुलाई 2020 में यह होगा रशिया के अंदर। ठीक है, तो यही चीज है बच्चा, थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, मैंने आप लोगों को बताया, यहां भी मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा सकता हूं, लेकिन डिफरेंट यह कि बच्चा वहां समय ज्यादा मिल जाता है, यहां समय का थोड़ा अभाव होने के कारण थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ज्यादा अंतर तो नहीं बच्चा आपका, 30% तो डिफरेंट आपका जरूर होगा, वहां पर समय का कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों को अगर 50 आवर की बात करी तो मैं 60 आवर में भी क्लास ले सकता हूं, जहां एक क्लास होगा वहां मैं 2 क्लास ले सकता हूं, वहां कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला टॉपिक देख लीजिए बच्चा आपका। अब यहां पे नाम आया वर्तमान समय पर सबसे ज्यादा चर्चा में, आप लोग अक्सर सुनते होंगे यूनेस्को का नाम। ठीक है, यूनेस्को का नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दें, यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे यहां क्या क्वेश्चन पूछेगा। सभी लोग जो अभी अभी चैनल से जुड़ रहे हैं, सभी पुराने जो स्टूडेंट हमारे बच्चे, ये डेमो क्लास SSC JEE के अकॉर्डिंग रखी गई आप लोगों की। ठीक है, तो आगे जब हम लोग मैराथन क्लास करेंगे तो वहां पर भी इसी तौर से हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यूनेस्को, अब यहां पे यूनेस्को का नाम आया है, तो यूनेस्को के बारे में जैसे मैं आपको चीजें समझा देता हूं, सबसे पहले तो आपको एग्जामिनर पूछता है कि एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में
वर्तमान समय पर विश्व भर में एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कौन है आपका, तो कौन सा है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के फुल फॉर्म बताइए, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है बच्चा इसका क्या है, तो ये ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर है। अब यहां पे पेरिस का नाम जुड़ा, तो मैंने आपको बताया पेरिस कौन से नदी के किनारे बच्चा आपका, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बच्चा इसके हेड कौन है अभी वर्तमान समय पर, तो ऑड्री ऑज़ुल करके बताया मैंने इसके जो हेड है वर्तमान समय पर। ठीक है, और 2000 समझ बच्चा आपका, और साथ ही साथ आपके क्या पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। और याद रखना बच्चा, भारत इसका फाउंडर मेंबर था। ठीक है, आप सभी लोगों का एग्जामिनर पूछता है जब इसकी स्थापना होती है तो भारत क्या था बच्चे, इसका एक आपका संस्थापक सदस्य के तौर पर भारत इसमें शामिल था। ठीक है, अब यहां से और क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, सबसे पहले तो आपको एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, समझ लो यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे बच्चा आपका, वर्ल्ड हेरिटेज समिट जो कराया जाता है आपका, प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, अब यूनेस्को के द्वारा कराया जाता है तो 2019 में कहां पे हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो 2019 में कहां पे हुआ बच्चा ये आपका, तो ये हुआ था बच्चा आपका बाकू सिटी में। क्यों बता रहा हूं बच्चा यहां पे, बाकू सिटी में हुआ, बाकू कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान, बाकू क्या है बच्चा आपका, कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान। ठीक है ना, कैपिटल सिटी ऑफ बच्चा किसकी, अजरबैजान की, ये कैपिटल है। उसके बाद बच्चा यहां पे स्पेशल क्या है इंडिया के लिए, तो आपको बता देता हूं बच्चा, पिंक सिटी, समझ रहे बच्चा आपका, पिंक सिटी बच्चा यहां पे जोड़ी गई थी, यानी कि जयपुर को, पिंक सिटी यानी कि जयपुर को 38वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया इंडिया का, भारत का बच्चा यहां पे 38वीं एक साइट के तौर पर, और वो कौन सी जोड़ी गई, तो पिंक सिटी को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अब यहां से अगला अगर आपसे पूछा जाता है तो हमें 2018, 2019 और 2020 के लिए तो याद रखना चाहिए कि विश्व विरासत सम्मेलन कहां कहां पे हुए। 18 में बच्चा आपका कहां पे हुआ था, तो जगह थी आपकी मनामा, समझ रहे हो, 18 में जो सम्मेलन हुआ वो जगह थी आपकी मनामा यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ बहरीन। 2019 में तो ये अभी बताया मैंने आप लोगों को बच्चा, बाकू में अजरबैजान की कैपिटल होगी, और 2020 में कहां पे होगा बच्चा ये, तो 2020 में जो अभी प्रस्तावित है आपका वो चाइना के अंदर है। यदि कोरोना वायरस के कारण आप लोगों को याद होगा बच्चा, बहुत सारे जो सम्मेलन है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपके, ठीक है, तो ये बच्चा आपका क्या हो रहा, अभी इन पर प्रतिबंध लग, समझ रहे हो अभी क्या हो रहा है बच्चा आपका, ये आपके आगे पोस्टपोन हो रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा हम लोग, अब यहां पे ये तो ऑर्गेनाइजेशन थे आपके, आगे हम लोग डेमो क्लास है बच्चा, ये डेमो सेशन है, याद रखे एसएससी जेई 2019-20 के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक डेमो सेशन आप लोगों के लिए रखा गया। ठीक है, हाँ मैराथन क्लास में भी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जल्दी से इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। आगे चलते हैं बच्चा हम लोग अगले, यहां पे बच्चा जैसे कि अभी वहां पे लगभग लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं समाप्त कर चुका हूं, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। अब भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि बच्चा भारतीय संविधान के इतिहास को हम लोग, यानी कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी वर्तमान समय पे है इसकी शुरुआत कहां से होती है, कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट एक झलक आपको दिखाऊंगा यहां पे, यानी कि बच्चा एक ओवरव्यू जिसे हम लोग वहां पे क्या पढ़ा अब तक और क्या पढ़ चुके हैं, क्या आप लोगों को सिर्फ अंतर पता चल जाएगा बच्चा कि यहां पे डिफरेंट क्या है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या हो सकता है इन दोनों में, ठीक, कोई इश्यू तो नहीं बच्चा आपका, कोई इश्यू हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कोई अगर साउंड वगैरह का इश्यू हो तो आप लोग जरूर मुझे बता सकते हो बच्चा। ठीक है, यदि कहीं पे साउंड का इश्यू आ रहा है तो आप बता सकते हो, जस्ट वन मिनट बच्चा, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक आपका ओवरव्यू बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ओवरव्यू रहेगा बच्चा आपका, ये ज्यादा इसमें जस्ट वन मिनट बच्चा। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां पे मैंने आपको क्या बताया बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, भारतीय संविधान के इतिहास की अगर मैं शुरुआत करूं बच्चा, तो आप लोगों को याद होगा जो 1757 का प्लासी युद्ध होता है, ठीक है,
समझ रहे बच्चे आपका, 1757 में प्लासी युद्ध होता है, उसके बाद यहाँ पे जो यूरोपियन थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था बच्चा आपका, एक तरह से एक प्रशासनिक तौर पर भारत में, उससे पहले तो क्या कर रही थी, व्यापार के तौर पर, ट्रेड के तौर पर भारत में आई थी, लेकिन जब आपका 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से अंग्रेजों की बंगाल के क्षेत्र में, या मैं कहूँ वर्तमान भारत में बच्चा क्या हो गई थी, एक तरह से उनकी नींव रख गई थी, ठीक है। अब वो प्रशासनिक तौर पर भी पूर्ण रूप से भारत में क्या करने लगे थे, आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर एक तरह से बच्चा आपका क्या करने लगे थे, हस्तक्षेप करने लगे थे, ठीक है। तो इसी सिक्वेंस में हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ते हैं। 1773 में बच्चा आपका ऐसा क्या दिया गया था जो वहां से भारतीय संविधान की हम लोग शुरुआत की बात करते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में स्पेशल क्या था बच्चा, पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट बच्चा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार यहां पे क्या किया गया था, एक नियम तो बनाया गया था, ठीक है, प्रशासनिक तौर पर और उसके साथ साथ बच्चा आपका आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटिकली, तो क्या बनाए गए थे, कुछ नियम बनाए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, किसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। तो उस समय पर यानी कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा के लिए रेगुलेटिंग एक्ट भी जाता है, ये सिर्फ कंपनी के लिए था बच्चा आपका, ठीक, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ करके थे उस समय पे, ठीक है ना, उस समय पर बच्चा कौन हुआ करता था, तो लॉर्ड नॉर्थ उस समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका क्या पूछा जाता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये लागू कब होता है, तो ये लागू होता है बच्चा आपका यानी कि 1774 में, 1774 ईस्वी में, 1774 में ये लागू होता है। इसके तहत बच्चा आपका क्या था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की, समझ लो बच्चा आपका, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है, और जिसकी स्थापना कब होती है ये भी पूछा जाता, ठीक है, यहाँ पे 1784 हुआ, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावित किया गया था जिसकी स्थापना 1774 में की जाती है, 1784 नहीं बच्चे यहाँ पे 74 आएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पे 84 की जगह पे 74 ध्यान देना। अब यहाँ पे आगे चलते हम लोग, रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी, याद रखना बच्चे, मैंने बताया ना कि उस समय पर बंगाल के अंदर जो प्रशासन चल रहा था, समझ रहे हो, बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल वाले क्षेत्र में उनका जो प्रशासन चल रहा था उसे क्या कर दिया गया बच्चा, बंगाल हो गया आपका, मुंबई वाला क्षेत्र हो गया, और मद्रास चेन्नई जो आपका वर्तमान समय पर जो चेन्नई हो गया, इस क्षेत्र में क्या था बच्चा आपका, ब्रिटिश इंडिया का जो प्रशासन चल रहा था, ठीक है, उसे क्या कर दिया बच्चा आपका इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी कि आपका चेन्नई, कलकत्ता और जो आपका बंगाल है, ठीक है, इसे क्या कर दिया गया, एक प्रेजिडेंसी के तौर पर बनाया गया, समझ रहे हो, इसे क्या कर दिया बच्चा आपका, अलग अलग प्रेजिडेंसी में बांट दिया। उससे पहले तो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, लेकिन इसका एक प्रेजिडेंसी में बांट दिया, तीन अलग अलग, समझ रहे हो, बंगाल के गवर्नर का गठन किया गया, यानी कि पहली बार बंगाल का क्या बच्चा, जो आपका गवर्नर था अब वो गवर्नर जनरल कहलाने लग गया, समझ लो, उसे क्या कहा जाने लग गया आपका, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया, और बंगाल जो क्षेत्र बचा इसे तीन प्रेजिडेंसी में बांट दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस क्षेत्र को जहां जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था, जैसे कि मुंबई आपका, समझ लो, मद्रास वाला जो आपका एरिया है, या कलकत्ता वाला क्षेत्र है, या बंगाल वाला क्षेत्र है, इन तीनों को तीन अलग अलग प्रेजिडेंसी में बांट दिया गया, एक बंगाल हो गया, एक मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, इन तीनों प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया बच्चा आपका, तो ये बनाया गया आपका बंगाल के अंदर, ठीक है, और इसके तहत बच्चा आपका जो बंगाल का, यानी कि उस समय पर जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया, समझ रहे हो, उसे क्या नाम दिया गया बच्चा आपका, गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और इस एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगर हम लोग गवर्नर की बात करेंगे तब तो आपका लॉर्ड क्लाइव आएगा, ठीक है, 1757 के आसपास बचा आपका, तब आपका क्या था, क्लाइव था, लेकिन गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत पहली बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। और इन तीन प्रेजिडेंसियों का जो हेडक्वार्टर था वो कहां पे था आपका,
आपका बंगाल के अंदर था, ठीक है, और मद्रास कलकत्ता उसके अधीन थे, इन तीन प्रेसिडेंसी। सिंपल सा अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि जो बंगाल को तीन प्रेसिडेंसियों में कब बांटा गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जहां जहां पे प्रशासन था उसे क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंसी नाम दे दिया, ठीक है। अब जो आपका मुंबई वाले क्षेत्र में, यानी कि जो अभी जो व्यापार उनका क्या था, पूरे के पूरे जो आपका वेस्टर्न घाट वाले पोर्शन में, ठीक है, तो उसे क्या नाम दे दिया आपका, वेस्टर्न घाट वाले को क्या दे दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी नाम दे दिया। अब आपका कौन सा ईस्टर्न घाट में आपका जो क्षेत्र है उसे क्या नाम दे दिया आपका, कलकत्ता प्रेसिडेंसी नाम दे दिया। और इनका हेडक्वार्टर कहां रखा गया बच्चा आपका, बंगाल के अंदर रखा गया, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब मैंने गवर्नर जनरल की बात करी बच्चा आपका, तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे कहां के, बंगाल के। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आएगा आपका कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो इसके लिए बच्चा आपका 1833 का एक्ट आता है, यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था ये बच्चा आपका, इसके तहत क्या होता है आपका, विलियम बैंकटिंग, समझ रहे बच्चा आपका, विलियम बैंकटिंग को जो बंगाल का गवर्नर था उसे पूरे भारत का गवर्नर कर दिया गया, किसमें, 1833 के अधिनियम के तहत। और यहां पे बच्चा इसे जो बंगाल का गवर्नर था वो अब पूरे भारत का क्या हो गया, गवर्नर हो गया, समझ रहे बच्चा आपका। इसके बाद आपका एक हिस्ट्री और आती है, ये गवर्नर जनरल वाली जो कहानी है बच्चा आपका, ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, इसके तहत क्या होता है बच्चा, इस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसरॉय किया जाता है, समझ लो, इस गवर्नर जनरल को अब क्या कहा गया बच्चा, नाम वही है, समझ, पद वही है, काम वही है, लेकिन उसका नाम परिवर्तित हो गया, यानी कि अब गवर्नर जनरल क्या हो गया आपका, वॉइसरॉय कहा जाने लग गया, कब आपका, 1858 के अधिनियम के तहत। तो पूरी तीनों चीजें याद हो गई आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक। इस दौरान अगर किसी बच्चे का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया कुशल, यहाँ पे बच्चों ने आंसर दिए, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग बच्चा अगले, यहाँ तो ये था बच्चा डेमोस्ट्रेशन, वहां पे पूरा का पूरा आपका एक एक्ट के अंदर पूरा का आपका लेक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे हम लोग अगले टॉपिक पे बच्चा आपका, ठीक है, ये तो था बच्चा आपका कौन सा। अब चलते हैं हम लोग जो डेली क्लास होती है आपकी, आज सैटरडे आपका, तो उसका रिवीजन सेशन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो याद रखना बच्चा आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, जैसे कि बच्चा आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन न्यूज़पेपर में, ठीक है, कुछ दिन पहले कि न्यूज़पेपर में आप लोगों को मैंने बताया था कि म्यूनिख जो आपका सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसका बच्चा आयोजन किया जा रहा है, आगे क्वेश्चन मिलने वाला आप लोगों को, ठीक। तो याद रखना बच्चा आपका इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1963 में शुरुआत होती है, और इसकी जो बच्चा आपका मोटो क्या है, पीस थ्रू डायलॉग की बात की गई, ठीक है ना, शांति के लिए वार्ता, इसका क्या है बच्चा आपका मोटो है। अगला जो आपका हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा होगा बच्चा, ठीक है, तेजस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यानी कि INS विक्रमादित्य का पर इसमें क्या किया गया बच्चा आपका, देश के पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस विमानवाहक पोतक INS विक्रमादित्य पर बच्चा सफल लैंडिंग करने में, ठीक है। तो आप लोगों को INS विक्रमादित्य का याद रखना कि जो सफल लैंडिंग की गई बच्चा आपका, सक्सेसफुली लैंड किया गया कहां पे बच्चा आपका, तो INS विक्रमादित्य पर तेजस ने, ठीक है। अब याद रखें बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, JP नड्डा जो कि क्या होंगे बच्चा, भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जयप्रकाश नड्डा, इनका नाम क्या बच्चा आपका, तो इनका नाम क्या बच्चा आपका, जयप्रकाश नड्डा हो गया, ठीक है, JP नड्डा। और साथ ही साथ बच्चा आप लोगों से अगर यहां से क्या पूछे, और भी एग्जांपल पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके, तो स्टेट आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, समझ लो कहां से बिलोंग कर रहे हैं बच्चा आपका, तो याद रखना बच्चा आपका ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं आपका, ठीक है ना, JP नड्डा कहां से बिलोंग कर रहे बच्चा आपका, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहे। उसके बाद बच्चे मैंने आप लोगों को समझाया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की बात करी थी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की बात करी थी बच्चा मैंने आप लोगों को, तो कहां पे आपका खोला गया, ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो खोला गया कहां पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, तो अहमदाबाद में,
और पहला कहां पे एस्टेब्लिश किया गया था? तो पहला एस्टेब्लिश किया गया था बच्चा आपका कहां पे? मुंबई के अंदर। तो याद रखना IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल पहला कहां पे बनाया गया? तो भारतीय जो बच्चा आपका कौशल संस्थान की जो स्थापना की गई फर्स्ट मुंबई में और सेकंड बच्चा आपका अहमदाबाद में। ठीक है, सेकंड कहां पे खोला गया आपका? अहमदाबाद के अंदर खोला गया। समझ रहे बच्चा आपका? हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बच्चा आप सभी लोग। नेक्स्ट बच्चा राजभवन नहीं बेलूर मठ में रुके थे प्रधानमंत्री, ये बच्चे टाइटल के नाम से मैंने आप लोगों को बताया था। तो याद रखना नरेंद्र मोदी बच्चे क्या आपके बेलूर मठ में रुके थे वेस्ट बंगाल की यात्रा में। तो भारतीय प्रधानमंत्री अगर यहां पे रुके थे तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो बच्चा बेलूर मठ रामकृष्ण मठ का क्या बच्चा आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, रामकृष्ण मठ। अब यहां पे याद रखना बच्चा आपका रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि रामकृष्ण जो आपका मिशन है इसकी स्थापना कब हुई? 1897 में। और इसका मुख्यालय कहां पे आपका? बंगाल के अंदर बेलूर मठ इसका क्या है बच्चा आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट बच्चा आपका ताई इन्वेंट है, समझ लो बच्चा आपका ताई ताइवान जो कि ताइवान की बच्चा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताइवान में जीती साई इन। समझ लो बच्चा आपका साई यानी कि प्रेसिडेंट बनी, दोबारा से बच्चा आपका प्रेसिडेंट के तौर पे चुनी गई साई इन्वेन। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि ताइवान, ताइवान का नाम चर्चा में अक्सर चीन और ताइवान के बीच में क्या बच्चा आपका विवाद रहता है। क्यों रहता है? चीन क्योंकि इसे अब भी अपना पार्ट मानता है, अपना ही हिस्सा मानता है। ठीक है, लेकिन यहां पे अभी जो इलेक्शन हुए थे तो डेमोक्रेटिक पार्टी, समझ प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि साई इनवेन जो डीपीपी से क्या करती है बिलोंग करती है। ठीक है, समझ रहे बच्चा आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेसिव पार्टी। अब यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ताइवान के अंदर दोबारा से री इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट के तौर पर साई इनवेन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आपने आंसर क्या दिया बच्चा आपका डीपीपी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यहां पर। ठीक है, इससे ज्यादा क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या पूछा जा सकता है बच्चा आपका ताइवान के बारे में? सबसे पहले तो याद रखना ताइवान से रिलेटेड चीजें समझिए बच्चा। ठीक है, यहां पे रेड कलर में आप लोगों को जो सर्कल दिख रहा है बच्चा ये हमारा ताइलैंड आइलैंड, एक क्या है बच्चा आपका ताइलैंड, समझ लो ताइवान जो आपका द्वीप है इसकी लोकेशन पूछेगा तो आप लोग क्या आंसर करोगे? ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में बच्चा इसकी लोकेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चा ये अलग कब हुआ चाइना से? तो ये 1949 में रिपब्लिक हुआ था आपका, चाइना से अलग हुआ, समझ रहे हो। और याद रखना बच्चा इसका प्रीवियस नेम क्या था? तो इसका प्रीवियस नेम था बच्चा आपका क्या? फार्मोसा। समझ बच्चा आपका प्रीवियस नेम क्या था इसका? फार्मोसा प्रीवियस नेम हुआ करता था। और न्यू ताइपी इसका अभी क्या है करेंसी हो गई और ताइपी यहां की क्या बच्चा कैपिटल हो गई। ठीक है, अब फार्मोसा नाम आया आप लोगों को तो आप लोगों को बता देता हूं फार्मोसा अपने आप में एक जल संधि है। फार्मोसा क्या बच्चा अपने आप में एक जल संधि है। ठीक है, फार्मोसा जल संधि जो किस किस को अलग करती है और किसे जोड़ती है ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चा आपका फार्मोसा जल संधि जो आपका स्टेट ईस्ट चाइना सी को बच्चा आपका साउथ चाइना सी से जोड़ती है और ताइवान को चाइना से अलग करती है। समझ रहे हो, ये रहा आपका चीन, ये रहा बच्चा ताइवान। तो ये ताइवान को अलग कर रही है और जोड़ किसको रही है आपकी? साउथ चाइना सी यानी कि उत्तरी चाइना सागर से दक्षिण चाइना सागर को जोड़ रही है। ठीक है, फार्मोसा स्ट्रेट, ये भी याद रखे आप सभी लोग। साथ ही साथ बच्चा आप लोगों को मैं बता दूं वहां पे आप लोगों का जो थ्योरी वाला सेशन रहेगा उसे 6 से 7 लेक्चर में समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे टॉपिक वाइज। समझ रहे हो, जैसे कि हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को हम लोग एनिशियंट से लेकर मिडविल तक जितना भी आएगा आपका और मॉडर्न हिस्ट्री तक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस में, बाकी जो आपका बेसिक चीजें होगी उससे मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा, बाकी आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है ना,
नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो टॉपिक था बच्चा, गुजरात और महाराष्ट्र में तेजस का तोहफा। तेजस आपका दोबारा नाम आ चुका है गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में क्या हुई थी बच्चा आपकी, यहाँ पे क्या लिखा गया, गुजरात और महाराष्ट्र में को देश की दूसरी सेमी हाई स्पीड जो तेजस का तोहफा मिला, ठीक है। यानी कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली जो ट्रेन बच्चा, यहाँ पे किसने तो ये शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखें बच्चा आपका, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो बने अभी वर्तमान समय पर वीके यादव दोबारा से विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका एशिया का फर्स्ट ग्रीन रेलवे स्टेशन टू भी जो बच्चा आपका बनाया गया वो कौन सा, तो इसका नाम बच्चा आपका केवड़िया, समझ लो। एशिया का पहला फर्स्ट ग्रीन रेलवे स्टेशन जो बनाया गया बच्चा आपका वो कौन सा है, केवड़िया, जो कि गुजरात के अंदर है। तो रट दीजिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। केवड़िया जो आपका रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि एशिया का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है। दूसरा बच्चा मैंने आप लोगों को बताया था तेजस विल बी रन बिटवीन अहमदाबाद टू मुंबई, और फर्स्ट जो चली थी बच्चा आपका लखनऊ से दिल्ली तक, यानी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और दूसरी कौन सी, अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में तेजस एक्सप्रेस का जो डेमो था बच्चा आपका। तो ये दोनों के दोनों बीच बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। बस यही अंतर है बच्चा, वहां पे समय मिल जाता है, यहां पे समय का थोड़ा अभाव होने के कारण बच्चा आप लोगों की क्लास शॉर्ट में चलती है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया बच्चा आपका, नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग। नहीं यहां पे जो बच्चा आपने प्रत्युष आनंद बच्चा आपने दिल्ली टू कटरा बताया वो ट्रेन 18 थी बच्चा, वो ट्रेन 18 है बच्चा आपका, T18 बच्चा वो आपका पहली चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में, और दूसरी चली थी बच्चा दिल्ली से कटरा के बीच में। यहां आप थोड़ा कंफ्यूज कर चुके हो, ये तेजस अलग है आपका, ट्रेन 18 अलग है। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करूं, ठीक है, हाँ यहां कमेंट्स देखने में ये फायदा है प्रत्युष बच्चा, हाँ वो वंदे भारत एक्सप्रेस है बच्चा, ठीक है, ठीक है ना बच्चा, हाँ वो वंदे भारत एक्सप्रेस थी। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग, ठीक है, ऐसी गलतियां होती है बच्चा। देखो यही फायदा होता है कि अगर मैं आपके कमेंट्स भी देखूं तो कुछ चीजें आपको क्लियर कर चूं, ठीक है। अगला बच्चा आपका, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या किया गया, यूएन के द्वारा भारत की बच्चा जो इकोनॉमी, यानी समझो बच्चा आपका जो ग्रोथ रेट है अगले 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर, यानी कि भारत सरकार का, सबसे पहले तो भारत सरकार का या भारत का जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो कब से होता है बच्चा आपका, मार्च से लेकर अप्रैल तक, ठीक है ना, मार्च से लेकर बच्चा आपका कब तक होता है, अप्रैल तक होता है, ये भी याद रखना बच्चा आपका, मार्च से शुरू हो जाता है, ठीक है ना, मार्च फर्स्ट से लेकर, सॉरी बच्चा सॉरी यहाँ पे जस्ट वन मिनट, ठीक है ना, यानी कि मार्च से नहीं बच्चा आपका, अप्रैल से शुरू होता है, कब तक बच्चा आपका, मार्च तक, अप्रैल फर्स्ट से शुरू होता है और मार्च एंड में समाप्त हो जाता है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर एक फिस्कल ईयर, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चा आपका जो आरबीआई की अगर मैं बात करूं बच्चा, आरबीआई का होता है आपका जुलाई फर्स्ट से और जून लास्ट तक, आरबीआई का जो एक आपका वित्तीय वर्ष शुरू होता है जुलाई, समझ बच्चा आपका, जुलाई फर्स्ट से शुरू हुआ और पूरे एक साल बाद यानी कि जून फर्स्ट में समाप्त, जून लास्ट में समाप्त हो जाता है, ठीक है आरबीआई का। और मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है बच्चा जिसका जनवरी फर्स्ट को शुरू हुआ और 31 दिसंबर को एक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर आप लोग क्या करते, प्लान करते हो बच्चा, ठीक है, समझो क्या प्लान करते हो, जैसे आपका बजट प्रोसेशन हो गया, मुझे कहां पे कितना खर्चा करना है, मुझे कहां पे अपना एक गोल फिक्स किया जाता है, ये सारी व्यवस्था, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर समझिए। अब यहां पे यूएन के द्वारा 2021 में भारत की जो रेट रखी, ग्रोथ रेट रखी बच्चा आपका, पोटेंशियल ग्रोथ रेट, वो 5.7 आंकी गई किसके द्वारा, समझो, तो ये भी याद रखना। तो यह चीज आपका, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जो संभावित विकास दर कितनी मापी है, 5.7% विकास दर को मापा है, ठीक है, किसके द्वारा बच्चा आपका, यूएन के द्वारा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है बच्चा आपका, यहां पे चीजों को समझिए, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा आपका, एग्जामिनर अगर पूछे आपसे तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा, यदि आपको भारत में सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा तो कौन सा दिया जाएगा, भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। आपको अगर सबसे बड़ा अवार्ड देना होगा बच्चा तो कौन सा मिलेगा, भारत रत्न अवार्ड मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना
2020 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया, समझ लो 2020 में किसी भी व्यक्ति को बच्चा आपका ये नहीं दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चा आपका इसके बाद में ध्यान दें बच्चा आप लोगों को, दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उसे कहा जाता है बच्चा आपका पद्म पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है पद्म पुरस्कार होता है बच्चा, ठीक है। अब इस पद्म पुरस्कार को तीन कैटेगरियों में बांटा गया, समझ लो पद्म पुरस्कार को भी तीन भागों में बांटा गया, सबसे बड़ा नाम यानी कि बच्चा आपका पद्म विभूषण, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा नाम यानी कि सीक्वेंस से आपसे पूछा जाएगा कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो पद्म विभूषण, ठीक है। दूसरा जो आएगा आपका पद्म भूषण, और तीसरे नंबर का बच्चा आपका पद्म श्री, यानी कि इसी सीक्वेंस में जो नाम बड़ा है वो अवार्ड भी बड़ा है, पद्म पुरस्कार में जो नाम छोटा है बच्चा आपका वो अवार्ड भी छोटा है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। भूषण बड़ा हो गया, पद्म विभूषण बड़ा है, फिर भूषण आ गया, फिर आपका पद्म श्री आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हाँ अब यहां पे बच्चा ध्यान देना आप लोग, 2019 में किन किन लोगों को अवार्ड दिया गया, अकॉर्डिंग टू बच्चा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के तहत बच्चा 141 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 में, 141 ठीक है ना, 141 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चा साउंड का इश्यू तो नहीं आ रहा है बच्चा, यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो आप लोग, साउंड का इश्यू तो नहीं आ रहा बच्चा, यदि कहीं पे साउंड का इश्यू आ रहा हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, साउंड में कोई इश्यू तो नहीं है बच्चा, ठीक है। तो याद रखे बच्चा आपका पीआईबी के अकॉर्डिंग 149 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, 141 लोगों को बच्चा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब याद रखे बच्चा इस सूची में सात बच्चा आपके क्या है, पद्म विभूषण हो गए, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, 16 आपके पद्म भूषण हो गए और 118 आपके पद्म श्री हो गए, समझो बच्चा आपका, यानी कि पद्म विभूषण, ठीक है ना। अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूं तो ये सात लोगों को दिया गया, ठीक है। पद्म भूषण की बात करूं बच्चा मैं, तो पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया बच्चा आपका, तो 16 लोगों को, और ये बच्चा आपका 118, ये तीनों के तीनों बच्चे रट दीजिए 2020 के अंदर जो भी आपके एग्जाम होते हैं वहां पे आप लोगों को ये मैच करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कई बार इसका क्वेश्चन यही आता है कि इसे मैच कीजिए इनमें से कौन सा सही है, आपसे सबसे ऊपर दे देगा टोटल 141, एक पूछेगा आपका पद्म पुरस्कार टोटल कितने दिए गए 141, और बाकी आपको मैच करने के लिए दिया जाएगा। उसके साथ साथ बच्चा आपका इस 141 में 141 में जो पद्म पुरस्कार 33 महिलाओं को दिया गया, यानी कि 33 इसमें क्या 33 क्या बच्चे इसमें महिलाएं, टोटल में 33 आपकी महिलाएं बच्चा यहां पे, ठीक है। उसमें से बच्चा इस सूची में जो 18 लोग हैं, समझ लो 141 में से ही बच्चा आपके 18 व्यक्ति क्या है जो विदेशी हैं, समझ लो एनआरआई हो गए आपके, ओआईसी कार्ड जो जारी किया जाता है यानी कि जो ओवरसीज इंडियन है, वो टोटल कितने आपके 18 लोग यहाँ पे विदेशी है 141 में, ठीक है। अब आप ये ध्यान देना बच्चा, अलग अलग कैटेगरी में टोटल तो आपके 141 है, जिसमें से 33 महिलाएं होगी, 18 आपके विदेशी हो गए, और 12 लोग ऐसे बच्चा जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया, यानी कि वो लोग बच्चा क्या है मरणोपरांत बच्चा उन्हें आपका ये अवार्ड दिया गया, 141 में से 12 लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दें आप लोग, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा आपका। अब आपका हम लोग चलते हैं, सबसे पहले तो यहां पे कुछ हिंदी में बता देता हूं आप लोगों को, पद्म विभूषण को याद कीजिए जो सबसे छोटा है, सबसे कम लोगों को दिया गया, वहां से आपसे पूछा जा सकता है कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से फील्ड से संबंधित है, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस बच्चा इन्हें मरणोपरांत दिया गया, पॉलिटिकल क्षेत्र से, और बच्चे ये कहां से बिलोंग करते थे, बिहार राज्य से बिलोंग करते थे, ठीक है। अरुण जेटली जी इन्हें भी मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये बच्चे आपका राजनीतिक क्षेत्र से थे और दिल्ली से बिलोंग करते थे आपके, ठीक है। उसके बाद बच्चा अनिरुद्ध जगन्नाथ जी एसके, जो कि बच्चा कहां से राजनीति से संबंधित है और मॉरिशस के पीएम भी रह चुके, ठीक है। तो
तो याद रखना बच्चा आपका, ये मॉरिशस से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया एसएससी जेई के लिए। ये सात नाम तो रख दीजिए, कौन कहां से बिलोंग करता है, किसे कौन सा अवार्ड दिया गया, ठीक है। उसके बाद बच्चा मैरी कॉम, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया, और ये किससे, स्पोर्ट्स से और मणिपुर से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ ओलंपिक के अंदर यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में कहां पे हो रहा है बच्चा आपका, तो टोक्यो जापान के अंदर हो रहा है। तो वहां पे जो एशिया के एथलीट है, एशियन कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया के अंदर चाइना हो गया आपका, सभी जो आपके बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी एशियन कॉन्टिनेंट के एथलीट होंगे उनके लिए बच्चा आपका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, गुडविल एम्बेसडर, सद्भावना दूत के तौर पर किसे चुना गया बच्चा आपका, मैरी कॉम को ही चुना गया। तो ये क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका छन्नू लाल मिश्र बच्चा, ठीक है, छन्नू लाल मिश्र जो कि क्या है बच्चा आपके, आर्टिस्ट है, यानी कि बच्चा क्या है, ये पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, समझो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ये कहां से बिलोंग करते हैं आपके, उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बच्चा आपका सुषमा स्वराज जी बच्चा, ठीक है, विदेश मंत्री रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं बच्चा आपका, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोगों को, और राजनीति के क्षेत्र से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब याद रखना बच्चा कहां से बिलोंग करते हैं आपका, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बच्चा आपका विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी को ये अवार्ड दिया गया, तो ये किससे बच्चा आपका, आध्यात्मिक क्षेत्र से, ठीक है, जो स्पिरिचुअल जो आपका, ठीक है, तो यहाँ कहां से बिलोंग करते हैं आपका, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये तो था बच्चा आपका पद्म विभूषण अवार्ड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को इसकी पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आप लोगों को क्या करना होगा बच्चा इसके लिए, अगर वहां भी नहीं मिल पा रही है फिर तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए बच्चा डायरेक्टली 8006211521, इस नंबर पर बच्चा आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, आप ना व्हाट्सअप करिए ना आप कॉल करिए बच्चा, आपका कोई भी इश्यू हो आप अपने नाम के साथ भेज दीजिए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा बच्चा, ठीक है, चाहे वो पेड क्लास से रिलेटेड हो आपका, चाहे यूट्यूब से रिलेटेड हो, कहीं पे भी आपका कोई इश्यू होता है तो आप लोग मुझे जरूर बच्चा, ठीक है। आप पहले तो बच्चा यहाँ पे व्हाट्सअप और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज में अपना इश्यू नाम के साथ भेजिए, ठीक है। तो आगे चलते बच्चा हम लोग अगले अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की ओर। अब शुरू हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन, जैसे कि हम लोग डेली पढ़ते हैं आपका, ठीक है, और वहां पे भी बच्चा हम लोग एक बेटर वे में इसी तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। भारतीय सेना दिवस के रूप में कब मनाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग क्वेश्चनों का आंसर देते रहिए। और साथ ही साथ बच्चा अभी आप लोगों को याद होगा कि सुबह जो आपका रात से लेकर बच्चा आपका इवनिंग में यानी कि मॉर्निंग में 12 बजे से और रात के बच्चा आपका 11 बजे तक इंजीनियर एकेडमी के जो भी पेड कोर्स है आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी पे बच्चा आपका होली ऑफर चल रहा है, ठीक है, वो भी बच्चा आपके अकॉर्डिंग यानी कि बच्चा आप लोगों की डिमांड पर ये आपका डिसीजन लिया गया पूरी टीम की तरफ से कि एक होली ऑफर दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से बच्चा आप लोग जो भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें बच्चा आपका, आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए और इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून पेड कोर्स करके ऐप है बच्चा, उसे डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप लोगों को ये पीडीएफ वगैरह सब वहीं से प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, 15 जनवरी। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका, आईसीसी के द्वारा 2019 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया, बेन स्टोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका बेन स्टोक को चुना गया, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करते बच्चा आपका, तो ये बिलोंग करते आपके कहां से, इंग्लैंड क्रिकेट टीम से, ठीक है। अब याद रखना बच्चा आप लोगों को एक इतिहास बता देता हूं, हिस्ट्री मान लीजिए बच्चा से, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 मई, ठीक है, 2019 को शुरू होता है और फाइनल मैच खेला गया बच्चा आपका 14 जुलाई 2019 को, ठीक है ना, 14 जुलाई 2019 को खेला गया, कोल इंडिया में पूछा गया था आपका फाइनल मैच कब खेला गया, एक बच्चे के पास तो ये पूछा गया, तो 14 जुलाई को आपका आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया। आईसीसी वर्ल्ड कप किसने होस्ट करा, वेल्स इंग्लैंड के अंदर हुआ, ठीक है, पहला मैच आपका 30 मई को होता है और फाइनल मैच आपका कब हुआ था बच्चा, 14 जुलाई 2019 को, ठीक है। जो बच्चा आपका पहला और अंतिम मैच था इन दोनों मैचों में,
जो आपके मैन ऑफ द मैच रहे बच्चा आपके, वो कौन थे? वो भी बेन स्टोक ही थे। बेन स्टोक ने पहले मैच में भी आपका क्या थे, मैन ऑफ द मैच रहे और लास्ट में रहे, ये करी आपके, ठीक है। उसके बाद बच्चा इस इवेंट में टोटल आपके 48 मैच खेले गए, 48 मैचों का आयोजन हुआ था, ठीक है, 2019 में, ये भी याद रखना बच्चा आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना आप लोग, समझ लो। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया ये पूछा गया। यहां पे रोहित शर्मा आप लोगों ने आंसर दिया, किसी बच्चे ने, रोहित शर्मा नहीं बच्चा, रोहित शर्मा के बारे में बता लेता हूं बच्चा आप लोगों को कि रोहित शर्मा को बच्चे यहां पे ओडीआई प्लेयर ऑफ वो चुना गया, ठीक है, आईसीसी ओडीआई प्लेयर चुना गया, ठीक है, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे हाल में सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो एमपी माहेश्वरी, ठीक है, एमपी माहेश्वरी को चुना गया सीआरपीएफ का, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स जो आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मल्लमपुरम, समझ बच्चा आपका कौन सा है, मल्लमपुरम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों के क्षेत्र में एक सा, कौन सा, केरल राज्य के अंदर, ठीक है। अब यहां पर केरला आ चुका है नाम, समझ बच्चा आपका, केरल से क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। पहले तो बच्चा आपका ओणम, समझ रहे बच्चा आपका, ओणम त्योहार कहां पे मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका कहां पे, केरल में, ठीक है। अब केरल में मनाया जाता है तो जब आपका ओणम होता है बच्चा, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए होली के टाइम पर स्पेशल फीचर क्या है, होली के टाइम पे विशेष क्या है बच्चा आप लोग, कलर वगैरह यूज करते हैं, या दीपावली पे आप लोग क्या करते हैं बच्चा, ठीक है, फुलझड़ी वगैरह जलाते हैं या दिए जलाते हैं, उसी तरह से बच्चा कोल जो ओणम जो त्योहार होता है, तो ओणम जो फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल पर क्या होती है बच्चा आपकी, बोट रेस, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, नौका दौड़ कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बच्चा आपका, नौका दौड़ कहा जाता है। यानी कि अगर बोट रेस होगी तो ये किसी ना किसी झील में होगी या किसी समंदर में होगी, ठीक है। तो बोट रेस आपकी कहां पे होती बच्चा ये, तो ये होती है आपका एक झील जिसका नाम क्या बच्चा आपका, वेम्बनाद लेक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दीप सिंह, यानी कि दीप सिंह बच्चा वेम्बनाद लेक, हो सकता है कृष्णा बच्चा हो, हाँ दीप कृष्णा ही है बच्चा, ठीक है, हाँ वेम्बनाद लेक, ठीक है, वेम्बनाद के नाम से जानी जाती है आपकी, ये भी कहां पे, तो ये याद रखना ओणम। और उसके साथ साथ बच्चा आपका ये रहा बच्चा आपका केरला, ये पोर्शन में आपको केरल दिख रहा है, केरल के अंदर जो कोस्टल लाइन है, केरल का जो बच्चा समुद्री भाग है, उसे क्या कहा जाता है आपका, मालाबार, समझो बच्चा आपका, उसे क्या कहा जाता है आपका, मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार जो आपका कोस्ट है, वो केरल का समुद्री एरिया, केरल का जो समुद्री मार्ग है बच्चा, उसे मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। और इसी मालाबार तट पे एक आपका क्या हुआ था बच्चा, मोपला जनजाति यहां पे निवास करती है, मोपला एसटी यहां पे निवास करती है, तो मोपला आंदोलन हुआ था बच्चा आपका, कब हुआ था, ये किसानों से संबंधित था, और कब, 1920-21 में यहीं पे बच्चा आपका मोपला विद्रोह होता है, कहां पे, मालाबार तट पे, जो किसानों से संबंधित था, ठीक है, नील की खेती के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या भारत में ब्रिटिश जो आपका, ठीक है, प्रशासन था, उसके द्वारा क्या किया जा रहा था, भारतों पे फोर्सफुली इंडिगो जो आपका खेती था उसके लिए बच्चा क्या किया जाता, फोर्सफुली कराया जा रहा था, ठीक है। तो 1920-21 में होता है आपका मोपला विद्रोह, जिसके जो हेड थे बच्चा वो कौन थे, तो अली मुलसियार, ठीक है ना, अली मुलसियार बच्चा मोपला विद्रोह के हेड थे। ये पूछा जाता आपका हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट मोमेंट, जैसे कि आपका कूका आंदोलन, जैसे आपका कौन सा, बारदोली आंदोलन, ठीक है, आपसे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, तो ये पूछे जाते, उसी तरह से आपका मोपला विद्रोह था, ठीक है। उसके बाद बच्चा मैंने आपको बताया यहां पे एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम क्या बच्चा आपका, इस आइलैंड का नाम होगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है ना, इस आइलैंड का नाम क्या होगा बच्चा आपका, लक्षद्वीप आइलैंड। और केरल और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है बच्चा, वो कहां पे, एर्नाकुलम में स्थित है, समझ रहे हो, केरल और यहां का हाई कोर्ट कहां पे बच्चा,
ठीक है बच्चा आर्या शुभम, आगे से इस चीज का ध्यान देंगे कि चीजों को हिंदी में लिखें और आपको एक्सप्लेन, सॉरी ठीक है, इंग्लिश में लिखें और हिंदी में एक्सप्लेन करें। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोशिश करूंगा आगे से इन चीजों को जो लिखा गया उसे इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी, तो ये एक डेमो सेशन था बच्चा आपका, यानी कि SSC JEE के अंदर जो आपका GS और रीजनिंग वाला पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका डेमो सेशन रखा था मैंने। जैसे कि आपका एक एक्ट उठा दिया था 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट को, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी और आप सभी लोग प्रोसेस मैंने आपको बता दी। यदि कोई बच्चा समझ लो, अब दोनों चीज में डिफरेंस बता देता हूं। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट अगर मेरा सवाल होता तो यही सवाल होता बच्चा कि यूट्यूब में और आपका पेड कोर्स में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या होगा बच्चा, वहां पे डिफरेंट क्या होगा, यहां पे चीजें आपकी रेंडमली चलती है। सबसे पहले तो समय का अभाव होता है, समझ लो, यहाँ पे सबसे पहले आपका हमें 1 आवर के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम चीजें रेंडमली बतानी होती है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझानी होती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है बच्चा आपका सीक्वेंस के हिसाब से आप लोगों को समझाई जाती है। SSC JEE है या उसके बाद अदर जो आपके क्लासेस कोर्सेज होंगे उसमें भी चीजें आपकी एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाई जाएगी। ठीक है, समझ लो बच्चा आपका, तो वहां पे सबसे पहले तो समय आपको पूरा मिल जाता है चीजें समझाने के लिए। जहां 1 आवर में क्लास होगी वहां 2 आवर आप लोगों को एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, यानी कि चीजें समझा सकते हैं, यही अंतर है। बाकी बच्चा आपका 70 और 30% की बात करूंगा मैं, 70% तो आपका यूट्यूब के थ्रू ही है, लेकिन 30% डिफरेंट वही है बच्चा। क्या होता है कि जब हम लोग चीजों को डीप में समझा रहे होते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऑरली आपको बताया जाता है बच्चा। ठीक है, तो यही है बच्चा आप लोगों का 30% डिफरेंट है, बाकी 70% आपका वही रहेगा जो यूट्यूब के अंदर है। ठीक है, वो बच्चे क्या होता है आपके रेंडमली हम लोग जब चीजें समझा रहे होते हैं आप लोगों को तो वहां पर कुछ डेप्थ में चीजें समझाने के लिए हो जाता है और बच्चों के सवाल भी। बच्चा एक चीज ध्यान देना, चैट बॉक्स में आप लोग जो कमेंट्स करते हो पेड कोर्स के अंदर उसे देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। यदि उसके बाद भी आप लोगों का अगर कोई समझ लो डाउट है तो मैंने आपको बताया कि आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज करें 8006211521 पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो। उसके बाद बच्चा आप लोगों को बता देता हूं प्रोसेस क्या होगी आप लोगों की। ठीक है, आप सभी लोग GS+ रीजनिंग का कोर्स ही परचेज करें। वहां पे क्या होगा बच्चा आपका रीजनिंग की जो क्लासेस है वो सोनबी सर ले रहे हैं। ठीक है ना, सोनबी सर वहां पे रीजनिंग लेंगे और GS वाला पोर्शन, यानी कि जो आपका 100 आवर का समझ लो, 100 आवर में आपका GS+ रीजनिंग रहेगा, उसमें भी आपका सभी 50% ऑफ चल रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि उस कोर्स को ज्यादा परचेज कीजिए आप लोग, क्योंकि बच्चा अगर आप लोग GS अलग लेते हो और रीजनिंग अलग लेते हो तो दोनों में कंटेंट एक ही है, अलग नहीं है बच्चा। कंटेंट GS+ रीजनिंग के अंदर भी वही मिलेगा और आप अगर इंडिविजुअली GS का खरीदते हो तो वो भी एक ही है और रीजनिंग में भी एक ही है, तो दोनों को एक साथ लोगे, क्योंकि कोर्स आपका एक मॉड्यूल में बनाया गया, यानी कि GS और रीजनिंग वाला को आप लोग ज्वाइंटली रूप में उसी को खरीदे, ज्यादा ध्यान दे। अगर मेरे हिसाब से अगर खरीदना चाहोगे तो उसी कोर्स को परचेज करें 100 आवर वाला। ठीक है, और उसके साथ साथ बच्चा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना कि आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, समझ लो, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इंजीनियर अकेडमी देहरादून पेड कोर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप लोगों को अंदर अलग अलग फीचर मिल जाएंगे। यदि अगर इसके बाद भी कोई अगर शिकायत होती है तो आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, ऑप्शन नंबर, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो बच्चा मैं आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहा हूं, इसके बाद सोनबी सर की क्लास होगी, वो आप लोगों को पेड कोर्स में रीजनिंग के संबंध में क्या क्या चीजें SSC JEE के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे वो सारी चीजें समझाई जाएगी बच्चा। ठीक है, तो समय पूरा है, आपके सवाल सर से पूछिए जहां कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना, तो बच्चा आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों को जल्दी से यदि कोई शिकायत होगी, आज बच्चा आपका होली ऑफर चल रहा है तो आप लोग जाइए विजिट करिए, समझ में आता है तो बच्चा आप लोग, और PDF तो वहीं से मिलेगी, तो आप लोगों को डाउनलोड तो करना ही होगा, तो PDF आप लोगों को वहीं मिलती है। तो धन्यवाद बच्चों।